नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इसके डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशियंट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशियंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, कॉफिशियंट्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, इस प्रोडक्ट का मतलब भी है मल्टीप्लीकेशन और कॉफिशियंट्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये एक रेशियो है किसके दरमियान? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इसे फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशियंट्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशियंट्स। तो ये रेशियो है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, सो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशियंट्स, कि जो भी प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको हम पावर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें भी हम पावर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ कन्वेंशनल या जनरली एक्सेप्टेड, कि जनरली हम आमतौर पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इस तरह से हम के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ के सी वैल्यू, कि के सी वैल्यू को हम किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं, कि हम के सी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इनटू के सी एक्सप्रेशन। कि ये के सी जो एक्सप्रेशन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इसमें हम प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको पुट करके हम यहाँ पर के सी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिपेंडेंस ऑफ के सी वैल्यू, वैल्यू ऑफ के सी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि के सी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ के सी, देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ फॉर के सी वैल्यूज़, कि के सी की कोई यूनिट्स नहीं होते व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कि के सी कभी भी कोई यूनिट्स नहीं रखता अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का एक मोल रिएक्ट करता है आयोडीन गैस के एक मोल के साथ, तो रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं टू मोल्स और ये प्रोड्यूस करते हैं टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है। तो टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाती हैं और कैंसल होने के बाद जब कोई यूनिट्स नहीं बचते तो के सी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे। के सी हैज़ दो यूनिट्स व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड के सी हैज़ सम यूनिट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर ना हो, जैसे एक एग्जांपल है कि नाइट्रोजन गैस का एक मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के थ्री मोल्स के साथ और रिएक्ट करके ये बनाते हैं टू मोल्स ऑफ अमोनिया, तो रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं चार, फोर हैं और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं टू। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इसके यूनिट्स होंगे मोल माइनस टू, डेसीमीटर प्लस सिक्स।